नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 70। इस क्वेश्चन से आपको एक चीज और सीखने को मिलेगी कि बहुत बार ऐसा होता है कि जो हमारे स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट होते हैं वो कंसेप्ट भी काफ़ी नहीं होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में, यानी कि हम स्ट्रिक कर जाते हैं, यानी कि जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन अवेलेबल होते हैं उन उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर अगर हम स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट अप्लाई करते हैं तो जो क्वेश्चन में हमें फाइंड कर रहा था वो फाइंड नहीं कर सकते। तो ऐसे केसेस में आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ करना पड़ता है। अब कैसे यूज़ करना पड़ता है वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है, इसका प्राइम एग्जाम्पल है, द हाइपोटन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल हैज इट्स एंड एट द पॉइंट 1, 3, ओके, एंड -4, 1, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लेग परपेंडिकुलर साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। तो क्या कहा उसने, हाइपोटन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल हैज इट्स एंड एट 1, 3, -4, 1। तो देखो ये आपने ट्राइंगल ड्रॉ किया, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसका एक पॉइंट है से आपका 1, 3 और एक पॉइंट है आपका आई थिंक -1, -4, 1 -4, 1। और आपको क्या कहा गया कि ये तो हाइपोटन्यूज है, ये हाइपोटन्यूज का एक पॉइंट है 1, 3 से पॉइंट ए और एक पॉइंट है -4, 1। यह हो गया आपका हाइपोटन्यूज। तो आपको ये कहा गया है कि आप जो ये इसका परपेंडिकुलर की जो दिस राइट ट्रायंगल की ये जो बाकी की जो साइड्स हैं इनकी लेंथ आपको फाइंड करनी है। अब अगर मेरे पास ये पॉइंट ही नहीं है, से ए बी सी, अगर मेरे पास सी के कोऑर्डिनेट्स ही नहीं है तो ना तो मैं यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला भी नहीं अप्लाई कर सकता। और अगर आपके पास ये पॉइंट ही नहीं होगा तो ना आप ये डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो ना ये वाला डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। तो यही रीज़न है कि ये जो क्वेश्चन है जब हम इसको करते हैं तो जो गिवन इन्फॉर्मेशन होती है वो आपकी सफिशेंट नहीं होती है, जो गिवन इन्फॉर्मेशन होती है वो आपकी सफिशेंट नहीं होती है, ठीक है। फ्रेंकली स्पीकिंग मैंने बहुत सारी बुक्स देखी है, जब मैं स्कूल में पढ़ता था मैं तब की आपको बता रहा हूँ तब भी ये सेम इश्यूज आता था और आज भी। अगर आपको कोई मीन्स कि जिसमें मुझे ऑथेंटिक आंसर मिला, एक ऐसा आंसर मिला जो पर्टिकुलर देख के समझ में आया, कभी ऐसा नहीं हुआ। मतलब कि ग्रेटिफिकेशन वाली बात लगती है। अब देखो करना क्या है होता है आपको ऐसे क्वेश्चन में, यहाँ पर आपकी एक लिमिटेशन बन गई, मेरे पास इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है नहीं तो मैं इसको फाइंड कर नहीं सकता। तो आप आपको तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कंसेप्ट को यूज़ करना पड़ता है। यू नीड टू यूज कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से देखो आप कैसे कर सकते हो। आपने एक्सिस ड्रॉ किए, राइट, और से ये आपका ओरिजिन हो गया। अब एक पॉइंट है आपका 1, 3, से ये 1 है और ये 3 है और दूसरा पॉइंट है आपका -4, 1, से ये पॉइंट हो गया आपका -4, 1। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है आपका, ये जो है ये हाइपोटन्यूज है, ये क्या है हाइपोटन्यूज ऑफ अ राइट ट्रायंगल, ठीक है। अब जो इसकी बाकी की जो साइड्स है वो ये भी हो सकती है और एट द सेम टाइम ग्राफिकली मैं बनाता हूँ तो इस ट्राइंगल की रिमेनिंग जो टू साइड्स हैं वो ये वाले पॉइंट भी हो सकते हैं। राइट, कि जो बाकी की इस ट्राइंगल की जो साइड है राइट ट्राइंगल की ए बी सी
अब जो रिमेनिंग टू साइड्स हैं आपकी, वो आपकी बीसी और एबी भी हो सकती है, या आपकी बीडी और एडी भी हो सकती है, राइट। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया आपको, दैट आपको लेंथ नहीं फाइंड करनी है, इवन आपको इक्वेशन फाइंड करनी है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लेग्स ऑफ द ट्राइंगल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लेग्स ऑफ द ट्राइंगल। अब देखो मैंने आपको क्या कहा कि जो गिवन इंफॉर्मेशन है, जो आपकी गिवन इंफॉर्मेशन है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट तो हम इसको फाइंड कर नहीं सकते। गिवन इंफॉर्मेशन के हिसाब से ए और बी, ये आपको इक्वेशन ऑफ लाइन पास करनी है ए सी और बी सी। अब पासिंग पॉइंट तो आपको पता है, लेकिन आपको स्लोप नहीं पता इस लाइन का। अब आपको ये परपेंडिकुलर है, तो ये एम वन और एम टू जो होगा इनका प्रोडक्ट माइनस वन होगा, ठीक है। पर ये बताओ ना इसका स्लोप कैसे निकालो। तो यही मैं कह रहा था, इस क्वेश्चन से आपको स्ट्रेट लाइन की लिमिटेशंस का पता चलता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि जो इन्फॉर्मेशन गिवन होती है उस इन्फॉर्मेशन से स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट से हम क्वेश्चन को नहीं कर सकते। फिर आपके पास ऑप्शंस क्या बचता है कि लास्ट ऑप्शन जो होता है, मैं लास्ट ऑप्शन इसलिए कह रहा हूँ कि अगर हर क्वेश्चन में आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरह से फिगर बनाओगे और इस तरह से फाइंड करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा आपको। तो ये लास्ट ऑप्शन होता है कि जब हमारी स्ट्रेट लाइन का, जब हमारी गिवन इन्फॉर्मेशन जो है उससे हम स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट अप्लाई उस पर नहीं कर सकते, तो लास्ट आपके पास कंसेप्ट ये बचता है कि आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कंसेप्ट अप्लाई करो। अब देखो आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ ए सी। बहुत सिंपल है, ये जो लाइन है वो किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के। अगर ये लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है और इसका जो एक्स पॉइंट है वो क्या है, वन, कैन आई से दैट इस लाइन की जो इक्वेशन होगी वो एक्स इक्वल टू वन होगी। अब ये जो लाइन है आपकी, ये वाली लाइन जो कि आई थिंक माइनस फोर कॉमा वन थी, ये किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के। और y एक्सिस पर किस पॉइंट से ये पास हो रही है, वन से। तो क्या नहीं से इस लाइन की जो इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू वन होगी। ऑन द अदर हैंड अब ये जो लाइन है आपकी वो किसके पैरेलल है, y एक्सिस के। और ये लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है, माइनस फोर से। तो क्या नहीं से इसकी जो इक्वेशन होगी वो x इज इक्वल टू माइनस फोर होगी। इन अ सिमिलर वे ये जो आपकी लाइन है BD, ये किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के। और Y पर किस पॉइंट से पास हो रही है, ये आपकी थ्री से। तो कैन आई से दैट इसकी जो इक्वेशन होगी ये Y इक्वल टू थ्री होगी। हो गया आपका क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन से आपने क्या सीखा, तो जो मैंने एक्सपीरियंस किया मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जब मैं स्कूल में था तब भी मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया था, मैंने बहुत सारी बुक सर्च की थी, और अभी भी अगर आप, मैंने काफ़ी सारी बुक्स देखी है जिसमें ऑथेंटिक आंसर दिया हो, कि जिसमें प्रॉपरली ये चीज़ बताई गई हो कि भैया ऐसे क्वेश्चंस में एक लिमिटेशंस बन जाती है, ऐसे क्वेश्चन में एक लिमिटेशन बन जाती है, और ऐसे केसेज में फिर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कंसेप्ट यूज़ करना पड़ता है। आपके पास ही बहुत सारी बुक्स होगी, आप देखना इस क्वेश्चन को किस तरह से किया गया। अगर कोई आपको कोई ऑथेंटिक आंसर किसी का लगे, समझ में आए तो मुझे बताना। मैंने बहुत सारी बुक्स देखी है लेकिन ये आंसर जो है कहीं से भी मुझे सेटिस्फैक्ट्री आंसर किसी भी बुक में नहीं मिला, चाहे वो आरडी है, चाहे आरएस है, एग्जाम्बलर है, एनसीईआरटी का कोई और सॉल्यूशन फुल मार्क्स वगैरह होती है, बहुत सारी बुक्स हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी जो मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ वो ये है कि ये क्वेश्चन जो है आपकी स्ट्रेट लाइन की लिमिटेशंस बना आपको शो कर रहा है। फिर भी अगर ज़बरदस्ती अगर आप स्ट्रेट लाइन से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करोगे कि बाय अप्लाइंग स्ट्रेट लाइन कंसेप्ट, तो वो रट्टाफिकेशन ज़्यादा होगी, वो कंसेप्ट नहीं होगा, वो रटने वाली बात हो जाती है कि ये चीज़ ऐसे हुई है तो इसका आंसर ही होगा। बट अकॉर्डिंगली यू हैव टू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एक्सेप्ट दैट कि इस क्वेश्चन में एक लिमिटेशंस है, जो इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन में गिवन है ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैं ये लेंथ फाइंड कर ही नहीं सकता, क्योंकि ना आपके पास इसकी इक्वेशन फाइंड कर सकते हो, फोर इक्वेशन यू नीड स्लोप, ना आपके पास इस लाइन का स्लोप है ना इस लाइन का स्लोप है, तो स्लोप तो आप निकाल ही नहीं सकते, तो एक लिमिटेशन बन गई। पहले तो आप इस चीज़ को समझो, अब लिमिटेशन बन गई तो सेकंड आपके पास वे क्या बनता है कि आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जाओ और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ग्राफिकली जो इन्फॉर्मेशन है उसको ड्रॉ करो
जो भी पॉसिबल राइट ट्राइंगल्स की आपको लेग्स दिखाई दे रही है उनके आप इक्वेशंस फाइंड करो। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस कंसेप्ट को देखो। पहले मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ, क्या है आपका। सो गिवन अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन दीज आर द टू पॉइंट्स ऑफ हाइपोटेन्यूज व्हिच हैव बीन गिवन इन द क्वेश्चन -1, 3 एंड -4, 4। So to find perpendicular sides, we have to plot figures due to the lack of enough information. जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया कि आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो enough information given नहीं है। इन इंफॉर्मेशन के साथ आप स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट से फाइंड नहीं कर सकते ए सी और बी सी की इक्वेशंस। तो आपको क्या करना होगा, यू हैव टू प्लॉट गिवन ट्राइंगल ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस। प्रॉपर वे में जब आप प्लॉट करोगे, देखो वन वन पर क्या है आपका 3, ये वाला पॉइंट हो गया। -4 पर 1 आपका ये वाला पॉइंट, ये आपका हाइपोटेन्यूज है। Now if this is the hypotenuse, this is the hypotenuse, तो आपके पास दो possible right triangles हैं। तो ये ACB और दूसरा जो possible triangle है that is BPA, that is BPA. Okay. अब एक तो simple way मैंने आपको वैसे logically बता दिया, जब सब कुछ plot कर दिया तो अब इसके basis पर आप equation निकाल सकते हैं। अगर आपको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, ये लाइन जो है आपकी वाई एक्सिस के पैरेलल है और इसका एक्स पॉइंट क्या है आपका 1, इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसकी इक्वेशन क्या होगी आपकी, एक्स इज इक्वल टू 1। मतलब सिमिलर वे बी सी, ये लाइन आपकी वाई एक्सिस के पैरेलल है, सॉरी एक्स एक्सिस के पैरेलल है और इस ये किस पॉइंट से पास हो रही है 1 से, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, y is equal to 1। अब ये जो लाइन है अगेन ये आपकी x एक्सिस के पैरेलल है और किस पॉइंट से पास हो रही है 3 से, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी इस लाइन की, y is equal to 3। और ये जो लाइन है आपकी वो x एक्सिस के पैरेलल है और किस पॉइंट से पास हो रही है -4, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, x is equal to -4। और मेरे अकॉर्डिंगली इतना आंसर अगर आप देते हो तो ये कंप्लीट आंसर है, क्योंकि आपने सभी चीजें प्लॉट करके दिखा दिया और लॉजिकली सारी चीजों को समझा दिया। फिर भी 1% आपको लगता है कि अगर हम इसको प्रॉपर कंसेप्चुअली अगर हम इसको शो करना चाहें कैसे निकालेंगे, तो मैं आपको वो भी बता रहा हूँ कि आपको ये लगता हो कि टीचर इस पे हमारे मार्क्स काट लेगी अगर हम सीधा सीधा आंसर देंगे, तो देखो फिर आपको कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल देर आर टू पॉसिबल राइट ट्राइंगल्स विद गिवन कंडीशंस। जो कंडीशंस गिवन है ऑन द बेसिस ऑफ दैट दो पॉसिबल राइट ट्राइंगल्स हैं आपके। केस 1 फॉर राइट ट्राइंगल ए बी सी, ए बी और सी, जो पॉइंट ए है उसके वर्टेक्स क्या है 1, 3, जो पॉइंट बी है उसके वर्टेक्स क्या है -4, 1 और जो पॉइंट सी है इसके वर्टेक्स क्या है 1, 1। फिर देखो अब आपके पास ए सी जो है, हमने पॉइंट प्लॉट किया ना, तो आपके पास दोनों पॉइंट्स है, तो आप इसकी इक्वेशन फाइंड कर सकते हो, क्या होती है y-y1 upon x-x1, 2 point form equal to y2-y1 upon x2-x1। ऑन अ सिमिलर वे बी सी के केस में भी यही होगा आपका, y-y1 सेम कंसेप्ट आपका, तो यही आपने किया है यहाँ पर, दीज आर द पॉइंट्स। इक्वेशन ऑफ ए सी, ए एंड सी, y-y1 दैट इज 3, x-x1 दैट इज 1 इक्वल टू y2-y1 1-3 अपॉन x2-x1 1-1। अब इसके डिनोमिनेटर में क्या आ गया 0, और डिनोमिनेटर में 0 आने का मतलब क्या है कि ये जो आपकी फ्रैक्शन वैल्यू है इट इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड, और नॉट डिफाइंड कब होता है, जब आपका डिनोमिनेटर 0 होता है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो जो आपकी ए सी लाइन है उसकी इक्वेशन क्या होगी,
एक्स इक्वल टू वन। अगर आप फिगर से देखो, यही तो हमने कहा था, ये जो लाइन है पैरेलल टू वाई एक्सिस है, और एक्स को किस पॉइंट पर पास करी है, वन पर, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, एक्स इक्वल टू वन। ओके नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी, बी आपका माइनस फोर वन है और सी आपका वन वन है। पॉइंट बी इज माइनस फोर कॉमा वन और सी है आपका वन कॉमा वन। बी सी वाई माइनस वाई वन, एक्स वन वाई वन हो गया, तो वाई माइनस वाई वन दैट इज वाई माइनस वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन, माइनस माइनस क्या होगा प्लस फोर, इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन, वन माइनस वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, माइनस माइनस क्या होगा प्लस फोर, तो वाई माइनस वाई वन अपॉन एक्स प्लस फोर इक्वल टू वन माइनस वन क्या हो जाएगा जीरो, जीरो बाई एनीथिंग जीरो। अब कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू जीरो के इक्वल कब होती है, जब उसकी न्यूमरेटर वैल्यू जो होती है वो आपकी जीरो के इक्वल होती है, तो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इक्वेशन ऑफ बी सी। तो देखो आप अगर आप इक्वेशन ऑफ बी सी को देखते हो, ये आपका बी सी है, इसके पैरेलल है आपका एक्स एक्सिस के, तो एक्स एक्सिस का पैरेलल होने का मतलब क्या है आपका, कि लाइन जो है वाई इक्वल टू इस पॉइंट से पास हो रही है वन से वाई इक्वल टू वन, तो यही तो आपकी लाइन आई है। इन अ सिमिलर वे यू कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए पी एंड इक्वेशन ऑफ पी बी, इक्वेशन ऑफ ए पी पासिंग थ्रू दीज टू पॉइंट्स एंड इक्वेशन ऑफ पी बी पासिंग थ्रू दीज टू पॉइंट्स लाइक दिस। इक्वेशन ऑफ ए पी, ए पी वाई माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, थ्री माइनस थ्री क्या होता है जीरो, कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू जीरो होने का मतलब क्या है कि जो उसका न्यूमरेटर है वो जीरो के इक्वल है, तो कैन आई से दैट वाई इज इक्वल टू थ्री, वाई इज इक्वल टू थ्री। इक्वेशन ऑफ बी पी, क्वेश्चन ऑफ बी पी, अब बी आपका क्या है माइनस फोर वन, पी है माइनस फोर थ्री, बी माइनस फोर वन और पी है आपका माइनस फोर थ्री, तो वाई माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन, पी माइनस वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, तो माइनस फोर प्लस फोर, तो ये जो होगा आपका, ये होगा आपका माइनस, ये होगा आपका थ्री माइनस वन अपॉन माइनस फोर प्लस फोर, तो जो आपका डिनोमिनेटर है वो जीरो होगा, तो ये वैल्यू आपकी नॉट डिफाइन हो जाएगी। कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू नॉट डिफाइन होती है तो डिनोमिनेटर होता है दैट शुड बी इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस फोर अगर जीरो के इक्वल होगा तो एक्स विल बी इक्वल टू माइनस फोर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18 and the question is find the image of the point, again very 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 important question, in the previous class mein bhi aapko bataya tha, question number 16 onwards ye sare question extremely important, find the image of the point 3,8 with respect to the line assuming the line to be a plane mirror। ab isko aise samjho ki ye ek line hai, according to the question is line ki jo equation hai wo kya hai aapki x प्लस थ्री वाई इक्वल टू सेवन, एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू सेवन, तो क्या कहा गया आपको, ये पॉइंट है आपका 3,8, से द पॉइंट बी ए 3,8, और ये लाइन है आप इसको एक मिरर की तरह देखो। अब मिरर में जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है, ये जो जितना कोई चीज़ मिरर के एक साइड में है उतना ही डिस्टेंस हमें मिरर की दूसरी साइड में भी उसका दिखाई देता है, उसे जो इसकी इमेज हो गया वो हो गया पॉइंट पी अल्फा कॉमा बीटा, तो जो इस पॉइंट की इमेज है ये पॉइंट पी, आपको इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने, क्या कहा फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 3,8, ये जो पॉइंट है इसकी इमेज से पी विद कोऑर्डिनेट्स अल्फा कॉमा बीटा विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन एंड एज्यूमिंग दिस लाइन टू बी अ प्लेन मिरर, तो ये आपको हमें आपको एज्यूम करना होगा प्लेन मिरर। जब हम मिरर में अपने आप को देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है, हमें ऐसा लगता है कि जितना हम इस तरफ है मिरर के, जितना डिस्टेंस हम मिरर से एक साइड में खड़े हुए हैं उतने डिस्टेंस में हमें हमारी इमेज दिखाई देती है, तो
फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो कि क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ ये। ये मिरर है और ये पेन है, जितना डिस्टेंस मिरर इस पेन का इस मिरर से है उतना ही जब मैं इसकी इमेज इस मिरर में देखूंगा, ये प्लेन मिरर है, उतना ही पीछे मुझे इसका डिस्टेंस दिखाई देगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये समझो, तो क्वेश्चन में जो गिवन लाइन है वो ये प्लेन मिरर है, ये जो मेरा हैंड है और ये वो आपका पॉइंट है। तो क्वेश्चन में एक आगे कि इस पॉइंट की जब आप इमेज देखोगे इस मिरर में तो उस इमेज के कोऑर्डिनेट्स क्या है, पॉइंट को पॉइंट अगर आप यहाँ पर पेन है तो इसकी इमेज में भी पेन ही दिखाई देगा ना, तो अगर इस साइड में पॉइंट है उधर भी पॉइंट दिखाई देगा, अगर लेफ्ट यहाँ पे जो ये पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं तो वहाँ पर जो इसके इमेज पॉइंट होगा उसके भी कोऑर्डिनेट्स दिखाई देंगे, तो वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है वो आपको बताना है। मीन्स आप इसको ऐसे समझो, से एक पॉइंट है मेरा ए 3,4 और ये इक्वेशन है, कुछ भी ले लो आप, x प्लस वाई इक्वल टू 4। ये जो इक्वेशन है ये इस लाइन की इक्वेशन है और क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि ये जो लाइन है वो एक मिरर है। अब मान लो मिरर से जो इस पॉइंट का डिस्टेंस है वो ये हो गया am। अब जब आपने मिरर में इस पॉइंट को देखा तो जितना आपका डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस आपको ये आगे भी दिखाई देगा, और मान लो इस पॉइंट पर आपका इसको इस पॉइंट की आपको इमेज दिखाई देगी और वो इमेज हो गया मान लो पॉइंट की। अब उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, अल्फा कोमा बीटा, तो ये आपका क्वेश्चन है। अब ये बताओ क्लियर हुआ आपको? सो लेट द गिवन पॉइंट बी पी विद कोऑर्डिनेट 3,8 एंड दिस इज द गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन एक्स प्लस 3y इक्वल टू 7। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी हैव टू एज्यूम दिस लाइन एज अ प्लेन मिरर एंड लेट द इमेज ऑफ पॉइंट लेट द इमेज ऑफ गिवन पॉइंट बी पॉइंट क्यू विथ कोऑर्डिनेट सी कॉमा डी। ये तो आपका गिवन पॉइंट हो गया और ये इसकी इमेज होगी, तो हमें क्या फाइंड करना है, क्यू पॉइंट, हमें इस क्यू पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है सी कॉमा डी ये फाइंड करना है। अब ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है पी क्यू, ये ए बी को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, से आर पॉइंट, एंड लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस आर पॉइंट बी ए कॉमा पी। ये जो डिस्टेंस है आपका, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो जितना ये डिस्टेंस होगा पी आर उतना डिस्टेंस इसका आगे होगा, क्योंकि मैंने आपको कहा कि लॉजिकली जब हम मिरर में अपने आप को देखते हैं तो जितना डिस्टेंस हमारा मिरर से एक साइड में होता है उतना ही आगे दिखाई देता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैन आई से दैट आर इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, बिकॉज जितना डिस्टेंस ये मिरर की एक साइड में है उतना ही डिस्टेंस मिरर की दूसरी साइड में भी हमें दिखाई देता है। तो आप ये एज्यूम करो कि जो आर है आपका वो इस पी क्यू लाइन का मिड पॉइंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी दैट इज एक्स प्लस 3y इक्वल टू 7। अब देखो ये जो है, अब किसी भी पॉइंट को ऐसे देखोगे, जब हम किसी चीज को देखते हैं मिरर में तो बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे देखते हैं। अगर मैं अपने फोरहेड को देख रहा हूँ तो मिरर के आगे भी, मिरर के आगे भी मुझे जो मेरी इमेज है, अगर मैं फोरहेड से फोरहेड को अगर जैसे ये जो सेंट्रल पॉइंट है, इस सेंट्रल पॉइंट से जो मेरी इमेज है अगर मैं उसको कनेक्ट करूंगा तो मिरर पर क्या होगा, मिरर से एक लाइन जो इमेजिनरी लाइन जाएगी वो कैसे जाएगी, परपेंडिकुलर, वो कैसे जाएगी परपेंडिकुलर। जैसे कि ये मेरा एक पॉइंट है, सेंट्रल पॉइंट है जो आईज के बीच में, इस पॉइंट से जो मेरी इमेज है उसको अगर मैं देखूँ तो बिल्कुल स्ट्रेट होगा, तो अगर मैं पी पॉइंट से इसकी इमेज को देखूंगा तो वो भी क्या होगा, बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी, तो ये आपकी परपेंडिकुलर लाइन बनेगी। तो मिरर पर वो कैसी लाइन होगी इमेजिनरी, परपेंडिकुलर। दैट इज वाई वी आर सेइंग दैट पी आर इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, पी आर इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी। तो लेट फुट ऑफ द परपेंडिकुलर पी आर बी पॉइंट आर विथ कोऑर्डिनेट ए कॉमा बी, और इसका जो इमेज है वो हो गया पॉइंट क्यू विथ कोऑर्डिनेट सी कॉमा डी। अब ये जो पॉइंट है आपका पॉइंट आर विथ कोऑर्डिनेट ए कॉमा बी, ये लाई कर रहा है आपका ए बी लाइन पर। ये जो पॉइंट आर है आपका ये लाई कर रहा है आपका किस पर, ए बी लाइन पर। तो अगर कोई पॉइंट किसी लाइन पर लाई करता है तो वो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो एक्स की जगह हमने क्या पुट किया ए और वाई की जगह क्या पुट किया बी।
एक ही क्वेश्चन तो हमारी ये बन, ए प्लस 3b इक्वल टू 7, भाई ये पॉइंट जो है वो इस लाइन पर लाई कर रहा है, तो ये जो पॉइंट है इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इन प्लेस ऑफ एक्स हमने ए को पुट किया, इन प्लेस ऑफ वाई हमने बी को रखा, तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई ए और बी में, ए प्लस 3b इक्वल टू 7। देन सी, नाउ वी कैन फाइंड द स्लोप ऑफ ए बी, वी कैन फाइंड द स्लोप ऑफ ए बी। इसी क्वेश्चन से आप स्लोप ऑफ ए बी फाइंड कर सकते हो, भाई स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा, माइनस से स्लोप ऑफ ए बी भी एम वन, माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स दैट इज माइनस वन अपॉन कोफिशियंट ऑफ वाई 3, और स्टे जो लाइन पी क्यू है इसका स्लोप एम टू है। बिकॉज पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए बी, यू कैन से दैट एम वन इंटू एम टू इज इक्वल टू माइनस वन, होगा ये। अब एम वन की वैल्यू कितनी है, माइनस वन बाई 3। एम टू आप और कैसे फाइंड कर सकते हो, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल स्लोप ऑफ एम टू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, आपको दो पॉइंट्स गिवन है, तो अगर मैं पॉइंट्स स्लोप फॉर्म से जाऊं तो वी नो दैट स्लोप इज ऑल्सो इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। तो जो एम टू है अगर पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली मैं इसकी वैल्यू निकालता तो वो क्या होगा, डी माइनस 8 अपॉन सी माइनस 3। बी माइनस 8 अपॉन ए माइनस 3, राइट। ओ एक्चुअली मैं जजमेंट ऑफ एरर हो गया, मैंने पी क्यू को कंसीडर कर लिया, जो लाइन आपकी परपेंडिकुलर है वो पी आर है, जो लाइन हमारी परपेंडिकुलर है वो क्या है, पी आर। तो हम एग्जैक्टली जो लाइन है पी आर इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, देखो परपेंडिकुलर हमने यहाँ ड्रॉ किया, तो जो पी आर है इसका स्लोप आप ये हो गया आपका, इसका जो स्लोप है वो आपने ले लिया एम वन माइनस वन बाई 3, और पी आर का जो स्लोप हो गया वो एम टू हो गया। तो वाई टू माइनस वाई वन, बी माइनस 8, एक्स टू माइनस एक्स वन, ए माइनस 3। अब इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, दैट एम वन इंटू एम टू इज इक्वल टू माइनस वन, एम वन की वैल्यू क्या है आपकी माइनस वन बाई 3, एम टू की वैल्यू क्या है बी माइनस 8 अपॉन ए माइनस 3, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू माइनस वन। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास एक और इक्वेशन आ जाएगी ए और बी की फॉर्म में, यू कैन सी दैट एज एम वन इंटू एम टू इक्वल टू माइनस वन, वैल्यू ऑफ एम वन इज माइनस वन बाई 3, वैल्यू ऑफ एम टू इज बी माइनस 8 अपॉन ए माइनस 3, एंड इट इज इक्वल टू माइनस वन, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बी माइनस 8 अपॉन ए माइनस 3, तो बी माइनस 8 इंटू वन बी माइनस 8, 3 इंटू ए 3 ए माइनस 3, 3 जा 9 इक्वल टू 1, तो बी माइनस 8 क्या हो जाएगा आपका 3 ए माइनस 9। ओके जब इसको फर्दर आप सॉल्व करोगे, सी 3 ए प्लस बी को जब आप राइट हैंड साइड में शिफ्ट करोगे माइनस बी, माइनस 9 प्लस 8 इक्वल टू 0, तो 3 ए माइनस बी माइनस 9 प्लस 8 क्या होता है माइनस 1 इक्वल टू 0, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। नाउ वी विल सॉल्व दिस इक्वेशन विद इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3, वी विल हैव 3 ए प्लस 9 बी एंड 7 3 जा 21 अपॉन 3 ए माइनस बी, ये माइनस 1 है व्हेन इट शिफ्टेड टू द राइट हैंड साइड इक्वल टू 1, 3 ए माइनस 3 ए विल बी कैंसिल आउट, प्लस 9 बी प्लस बी दैट इज 10 बी, प्लस 9 बी प्लस बी दैट इज 10 बी, और 21 माइनस 1 कितना हो गया 20, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 2। अब ये जो भी आपकी वैल्यू आई है बी इक्वल टू 2, वी विल पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1 दैट इज ए प्लस 3 इंटू 2 इक्वल टू 7,
इक्वल टू क्या होगा, 7 माइनस 6 एंड विच इज इक्वल टू 1, विच इज इक्वल टू 1। ओके, तो अब आपके पास देखो ए भी आ गया और बी भी आ गया, राइट। टी के कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी आपके पास थे, आर के कोऑर्डिनेट्स ए और बी की वैल्यू आ गई, ये भी आ गया। अब ये वैल्यू कितनी आई है आपकी आर की, ये वैल्यू आई है आपकी 1.2। ए आपका 1 आया और बी आपका 2 था। ये जो पॉइंट आर है आपका दिस वन, ये जो पॉइंट आर है आपका, इसके कोऑर्डिनेट कितने आ गए, 1.2। नाउ यू कैन सी दैट जो आर है आपका वो मिड पॉइंट है पी क्यू का, ये आर क्या आपका मिड पॉइंट है पी क्यू का, राइट। तो कैन आई से दैट ये जो 1 है इट विल बी इक्वल टू एक्स 1 प्लस एक्स 2 बाई 2। तो 2 1 सा कितना हो जाएगा, 2 इक्वल टू 3 प्लस सी, तो सी विल बी इक्वल टू 2 माइनस 3, तो सी विल बी इक्वल टू माइनस 1। कैन आई से दैट ये जो मिड पॉइंट वैल्यू 2 है इट विल बी इक्वल टू वाई 1 प्लस वाई 2 बाई 2, 2 टू जा 4 इक्वल टू 8 प्लस डी, तो 4 माइनस 8 माइनस 4 इक्वल टू डी। तो आपके पास जो इमेज पॉइंट है सी कितना होगा माइनस 1 और डी कितना होगा माइनस 4, ये आपका फाइनल आंसर होगा। अच्छा, अभी जो मैंने आपको कहा था कि जजमेंट ऑफ एरर, क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन में पॉइंट लिया था वो ये लिया था, पर ऐसा नहीं है कि आप जैसे मैं आपको पहले करके दिखा रहा था वैसे आप नहीं कर सकते। अगर ये लाइन परपेंडिकुलर है तो ये इसका ही पार्ट है, तो ये भी पूरा परपेंडिकुलर है। विद रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चन, मैंने वहाँ जब मैंने इसको सॉल्व किया है तो मैंने जो एम टू निकाला आपका वो इन दोनों पॉइंट्स को यूज करके निकाला है। उसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ, इन दोनों पॉइंट्स को क्यों लिया, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो इस लाइन पर लाई कर रहा है। तो ये इक्वेशन आपकी बनी थी ए प्लस 3b इक्वल टू 7। तो अगर मैं दोनों पॉइंट्स को स्लोप यूज करके फाइंड करता तो आपकी इक्वेशन सी और डी में बनती, ये ए बी और ये सी डी, तो आप इक्वेशन को फाइंड ही नहीं कर पाते, क्योंकि दो वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए, सेम वेरिएबल में ए बी में ही होनी चाहिए। इस रीजन की वजह से मैंने कहा कि जजमेंट ऑफ एरर है, क्योंकि अगर यहाँ पर आपकी इक्वेशन ए बी में बनी है तो आपको यहाँ से भी जो इक्वेशन बनेगी उसको ए और बी में ही बनाना होगा, और अगर आप इन दोनों को कंसिडर करोगे तो आपकी इक्वेशन सी डी में आ जाएगी। पर वैसे आप इसको स्लोप को आप इन दोनों पॉइंट्स का यूज करके भी निकाल सकते हो, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल ठीक था। जजमेंट ये है कि मैंने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि ये इक्वेशन ऑलरेडी ए और बी में बन चुकी है, तो ये इक्वेशन भी हमें ए और बी में ही बनानी पड़ेगी, तभी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि आपने अभी देखा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द लाइन्स वाई इक्वल टू 3x प्लस 1 एंड 2y इक्वल टू x प्लस 3 आर इक्वली इंक्लाइन टू द लाइन वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस 4। क्या कहा, ये वाली जो लाइन है वो इसके साथ जो उसका इक्वली इंक्लाइंड, नहीं दोनों ही लाइंस इस लाइन के साथ इक्वली इंक्लाइंड हो रही है, तो आप बताओ एम की क्या वैल्यू होगी। तो अगर मैं इसको फिगर से आपको थोड़ा समझाऊं, फिगर इन द सेंस देखो, आपको इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी गिवन है, आपको इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी गिवन है। देखो आपकी जो लाइन है, अगर आप इसको इस तरह से समझो, एक लाइन को आपने ले लिया ए बी, ठीक है, एक हो गया आपका बी सी, आपने जो जो लाइन्स लिए, जैसे ये जो फर्स्ट लाइन है इसको हमने ले लिया ए बी, जो आपकी फर्स्ट लाइन है इसको हमने क्या ले लिया ए बी, जो फर्स्ट लाइन है इसकी इक्वेशन को हमने क्या ले लिया ए बी, और उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है, ये फर्स्ट लाइन होगी ये हो गया ए बी, ये हो गया आपका सी डी, और ये लाइन हो गई आपकी ई एफ। इफ द लाइन दिस एंड दिस आर इक्वली इंक्लाइन टू द लाइन दिस, मीन्स जितना जितने एंगल पर ये लाइन इस एंगल के साथ इंक्लाइंड हो रही है, जो इसका स्लोप है इसके साथ वही इस लाइन का भी स्लोप है इस लाइन के साथ। इंक्लाइंड का मतलब क्या होता है, स्लोप,
यानी कि जो इस लाइन का स्लोप है इस लाइन के साथ, या जितना स्लोप या जितने एंगल पर ये लाइन इस लाइन के साथ इंक्लाइंड हो रही है, उतने ही एंगल पर ये जो लाइन है वो इसके साथ इंक्लाइंड हो रही है, तो आपको बताना है तो इस एम की वैल्यू क्या होगी। ओके तो ये जो लाइन है आपकी ई है, ये जो लाइन है आपकी ई है, ए बी इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर जितना एंगल बनाएगी या जितने एंगल से इंक्लाइंड होगी, उतने ही एंगल से आपका जो सी डी है वो भी इंक्लाइंड। अब इस लाइन का स्लोप क्या होगा अगर आप कंपेयर करो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है 3 से, इस लाइन का जो ए बी का जो स्लोप है वो m1 हो गया। अब इसको, अब इस लाइन को पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करो, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो y का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो 2 से हमने क्या किया, 2 को हमने राइट साइड में शिफ्ट कर दिया, अभी मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में है, तो जो 2y इक्वल टू एक्स प्लस 3 है, इट विल बी y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3/2, न्यूमरेटर को हम सेपरेट कर सकते हैं, तो x/2 प्लस 3/2। अब x का जो कोफिशिएंट है वो आपका स्लोप हो जाएगा जैम का। ना सिमिलर वे जो लाइन है आपकी ई एफ y इक्वल टू एम एक्स प्लस 4, तो अगर मैं इसको कंपेयर करूँ इस इक्वेशन से, तो m3 की जो वैल्यू है, तो इसका जो स्लोप है वो m3 है, दैट इज इक्वल टू f। ओके एज आई टोल्ड यू कि ए बी और ई एफ के बीच में जो एंगल है, और सी डी और ई एफ के बीच में एंगल है, यानी कि ए बी जितने एंगल इसके साथ ए बी और इन दोनों लाइंस के बीच भाई इक्वली इंक्लाइंड का मतलब क्या है, जैसे कि मान लो ये ई एफ है और ये ए बी है, तो ये जो इंक्लाइंड हो रही है कितने कितना एंगल बना रही है, अगर इसका इंक्लिनेशन इतना है इस लाइन का तो ये कितना एंगल बना रही है 60 डिग्री। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये जो सी डी लाइन है ये भी इस लाइन के साथ 60 डिग्री का एंगल ही बनाएगी। इंक्लाइंड का मतलब ये हुआ इक्वली इंक्लाइंड का मतलब जितना एंगल ए बी और ई एफ के बीच में होगा उतना ही एंगल सी डी और ई एफ के बीच में होगा, तो ये आप इस फिगर से समझ सकते हैं। ये जो बॉटम लाइन है आपकी यही है, एंड वी नो दैट एंगल बिटवीन टू लाइंस इज इक्वल टू व्हाट, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब ई एफ का जो स्लोप है वो m3 है और ए बी का जो स्लोप है वो m1 है, तो अगर ऑर्डर वाइज देखोगे तो ये जो है आपका, ये आपका हो गया m1 इस फॉर्मूले का, और ये जो m3 है आपका ये हो गया आपका m2। m2 की जगह क्या आ जाएगा m3 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1। m1 की वैल्यू क्या, m1 ही है, और m2 की वैल्यू क्या आपकी m3 है, इक्वल टू मॉड्यूलस सेम जो ef है इसका स्लोप क्या है आपका m3, और फॉर्मूले वाइज है ये आपका क्या हो गया m2, और जो cd है इसका स्लोप क्या m2, और फॉर्मूले के हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये आपका क्या m1, फॉर्मूले के हिसाब से ये आपका क्या m1 और ये m2, और फॉर्मूला क्या होता है m2 माइनस m1, तो m2 की जगह क्या आ जाएगा आपका m3 माइनस m1, m1 की जगह क्या आ जाएगा m2 अपॉन 1 प्लस m1, m1 की वैल्यू क्या है आपकी m2 इनटू m2, और m2 की वैल्यू क्या है आपकी, m2 की वैल्यू क्या है m3। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो m3 था आपका वो किसके इक्वल था, m अभी आपने फाइंड किया था, m1 की वैल्यू क्या थी आपकी 3, फिर m1 की वैल्यू क्या आपकी 3, और m3 की वैल्यू क्या आपकी m, m3 की वैल्यू क्या आपकी m, m2 अभी आपने फाइंड किया था 1/2, 1 प्लस m3 की वैल्यू क्या आपकी m, और m2 की वैल्यू क्या 1/2, राइट। नाउ फर्दर एम माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 3 है, जब आप एलसीएम लोगे 2 × m2m − 1/2, यहाँ से एलसीएम लोगे 2 + m, ये 2 + m m × 1m/2, 2 से 2 सिंप्लीफाई हो जाएगा, बट वी विल हैव
मॉड्यूलस एम माइनस थ्री अपॉन वन प्लस थ्री एम इक्वल टू 2m-1 अपॉन 2+m। अब जो चीज मैं समझा रहा हूँ उसको ध्यान से समझना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। आपको पता है जब हम मॉडुलस का साइन रिमूव करते हैं तो अपोजिट साइड में प्लस माइनस आता है। इटमीन्स अगर मैं यहाँ से मॉडुलस को रिमूव करता हूँ तो इसके रिस्पेक्ट में इसके आगे प्लस माइनस आएगा और इस मॉडुलस के रिस्पेक्ट में इसके आगे प्लस माइनस आएगा। जैसे आप यहाँ समझो ये दो वैल्यूज है मॉडुलस साइन में, अगर मैं मॉडुलस ए को रिमूव करता हूँ तो वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस ए। और जब मैं इस मॉडुलस को रिमूव करता हूँ इसके रिस्पेक्ट में ये वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस की। तो आपके पास कितने केसेस बनेंगे, प्लस ए इक्वल टू प्लस ए वन केस, प्लस ए इक्वल टू माइनस बी सेकेंड केस, देन माइनस ए इक्वल टू प्लस बी थर्ड केस, माइनस ए इक्वल टू माइनस बी दिस इज द फोर्थ केस। बट आप आइडियली देखो ए इक्वल टू, आप आइडियली देखो ए इक्वल टू माइनस बी और माइनस ए इक्वल टू बी, भाई बोथ आर सेम। भाई ए इक्वल टू माइनस बी माइनस, भाई आपने कहा टू इक्वल टू माइनस थ्री, मैंने कहा नहीं थ्री इक्वल टू माइनस टू, बात तो एक ही है, आप माइनस को इधर शिफ्ट कर दो। तो ये दोनों जो है आपके वो एक ही केस है। इसी तरह से ए इक्वल टू बी और माइनस ए इक्वल टू माइनस बी, ये भी तो कैंसिल हो के इक्वल टू बी है। दीज टू केसेस आर सेम। तो कहने के लिए तो चार केस है लेकिन आइडियली वो केसेस होते कितने, दो। तो इसलिए चार केस कंसीडर नहीं करने होते हैं। जब भी ऐसा केस आता है कि दोनों ही साइड में आपको मॉडुलस दिखाई देता है दे रहा है तो आपको चार केस कंसीडर नहीं करने होते हैं, क्योंकि तो जो उसका फाइनेट इफेक्ट होता है वो दो ही केसेस का होता है, ए इक्वल टू माइनस बी ए इक्वल टू बी। इट मीन्स आउट ऑफ फोर केसेस नेट केसेस कितने होते हैं, दो ही होते हैं। तो एक साइड की वैल्यू को आप ए ले लो, इसको बी ले लो। तो नॉर्मली जैसा आप करते हो वैसे ही करोगे कि एक साइड में पॉजिटिव वैल्यू रखोगे और दूसरी साइड में प्लस माइनस, यानी कि टोटल दो केस बनाने। तो आपने क्या किया, मॉडुलस ए इक्वल टू मॉडुलस बी को कैसे लिखा, ए इक्वल टू प्लस माइनस बी, क्योंकि नेट केस आपके दो ही बनते हैं, ए इक्वल टू बी और ए इक्वल टू माइनस बी, बस ये दो डिफरेंट केसेस हो गए। ओके ए इक्वल टू प्लस माइनस बी, ये आपका ए हो गया। व्हेन दिस ए इज इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू दिस इज द केस, एंड व्हेन दिस ए इज इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू दिस वन विल बी द केस। जब आप इसको सॉल्व करोगे सी एम माइनस थ्री इंटू टू प्लस एम, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड टू एम माइनस वन इंटू वन प्लस थ्री एम। ओके वट वी विल है एम इंटू टू, टू एम एम इंटू एम एम स्क्वायर, माइनस थ्री इंटू टू माइनस सिक्स, माइनस थ्री इंटू एम माइनस थ्री एम इक्वल टू टू एम इंटू वन टू एम इंटू थ्री एम सिक्स एम स्क्वायर, माइनस वन इंटू वन माइनस वन, माइनस वन प्लस थ्री एम माइनस थ्री एम। नाउ टू एम एंड टू एम will be simply cancel out, 2m and 2m will be cancel out, minus 3m will be cancel out, we are left with m square minus 6 equal to 6m square minus 1. Okay, we minus 1 when shifted to the left hand side it will be 1 minus 6 equal to 6m square minus m square, 6m square minus m square. वन माइनस सिक्स माइनस फाइव, सिक्स एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर फाइव एम स्क्वायर, फाइव एंड फाइव विल बी कैंसिल आउट, वी कैन से दैट माइनस वन इज इक्वल टू एम स्क्वायर, तो एम विल बी इक्वल टू प्लस माइनस रूट माइनस वन। देखो एम स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट, और वैल्यू क्या माइनस वन। अब रूट के अंदर माइनस वन का मतलब प्लस माइनस आयोटा,
और हमने हाँ जो आपके लेवल पर स्लोप की वैल्यू इमेजिनरी नहीं है, रियल वैल्यू होनी चाहिए, तो ये वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अनदर साइड एम माइनस थ्री इंटू टू प्लस एम इक्वल टू 1 प्लस 3 एम इंटू -2m+1। -2m+1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 -2m। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये इस तरह से इक्वेशंस बनेगी। ओके, नाउ m² -3m+2m -m -6 इक्वल टू -6m² (pm-2m+m) +1। m² -m -6, ये माइनस इधर शिफ्ट होगा, +6m² प्लस शिफ्ट होगा -m +1 -1 इक्वल टू 0। 7m² -2 -7 इक्वल टू 0। अब डायरेक्टली तो मिड टर्म स्प्लिटिंग पॉसिबल नहीं होगी, 49 के हम ऐसे फैक्टर नहीं बना सकते कि -2 है। तो क्या आपके लिए राइट मेथड होगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ए आपका क्या है, 7, बी आपका है -2 और सी आपका -1। फॉर्मूला क्या होता है, -b+-√d दैट इज b² -4ac/2a। तो -b -2 +√b² -2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 -4a(7c-7) (2a)(7). माइनस माइनस क्या होगा, 2 + -4 माइनस माइनस क्या होगा, +7 7 जा 49 (4) (7 2 जा 14)। m will be equal to 2 plus minus, out of these two terms we can take 4 as a common term within bracket 1 plus 49. So m will be equal to 2 plus minus 4 into 50 by 40. Okay. Now it can be written as 2 plus minus 4 ka square root kya hota aapka 2, but 50 ko aap kya le sakte ho, 25 into 2, aur 25 ka square root kya hota hai, 5। 2 ka square root nahi hoga, to square root 2 by 40। So jo m ki value aayegi aapki, that is what m will be equal to, अगर आप यहाँ से 2 कॉमन लेते हो तो विदिन ब्रैकेट 1 + -5√2/14। 2 1 जा 2 2 7 जा 14 and this is the final answer. This is the final answer. Okay.